रहीम बसमीम्लैक्म मैं हूँ फैसल अली ग्लोबल कैनवस पर सबसे बड़ा तसादम सबसे बड़ा झगड़ा रूस और यूक्रेन की लड़ाई इसको लेकर जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है रूस की जानब से कुछ नए इकदाम किए गए हैं और ये इकदाम वो मैयर्स हैं जो यूक्रेनी सदर वलादीमिर जलंसकी के दौर यूरोप के जवाब में हैं यानी कि इस वक्त यूरोपियन वर्ल्ड ये फैसले करने पर सर जोड़ कर बैठने वाली है कि टैंक्स के बाद अब यूक्रेन को एयरक्राफ्ट्स दिए जाएं लेकिन इसी दौरान कंटिन्यूसली रूस की जानेब से वार्निंग आती रही कि अगर ऐसा हुआ तो ये बर रास्त इस जंग में इन्वालमेंट होगी वेस्टर्न वर्ल्ड की इसी को लेकर जुमे का दिन है रूस की जानेब से लॉन्ग रेंज के वेपन्स के साथ यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है स्पेसिफ़िकली रूस के कैलिबर मिसाइल्स और इरानियन ड्रोन्स इनका एक बार फिर पूरी ताकत के साथ रशियन मिलिट्री ने इस्तेमाल किया इसकी डिटेल्स क्या हैं आपके सामने रखेंगे पोलेंड इस वक्त नेटो को मोटिवेट कर रहा है कि जट्स के मामले पर हमें पूरी तरह से मिलकर एक म्यूचुअल रिस्पॉन्स देना है हमें एक जॉइंट एफर्ट करनी है यूक्रेन की इस डिमांड को पूरा करने के लिए एग्जैक्टली exactly चल क्या रहा है फ्रांस का भी एक इनपुट आ चुका है जेट्स के मामले पर मैक्रन ने क्या कहा यह भी आपके सामने रखेंगे अब लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें बल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप अपने वाली अपडेट्स से आगा रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी रूस की जाने से मिजल्स और ड्रोन अटैक्स के अतरात हैं जुमे की सुबह और आ, इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये रिटेलिएशन है ये रिस्पॉन्स है रूस का क्योंकि यूक्रेनी सदर यूरोप के दौरे पर है बरतानिया जर्मनी फ्रांस इन तमाम तर ममालिक दौरे करने के बाद ब्रसल्स में वो यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल जो समिट है उसके अंदर भी गुफ्तू करेंगे वहाँ पर भी उनकी मौजूदगी होगी और ये तमाम तर कैम्पेन है बेसिकली कॉम्बर्ट एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए लड़ाका त्यारों के हसूल के लिए एक पूरी मुहिम है यूक्रेन की तो एग्जैक्टली exactly जुमे की सुबह के बारे में जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस फोर्सेस ने डिटेल्स सामने लाई हैं वो ये जी कि कम से कम सेवन इरानियन मेड ड्रोन्स जो हैं काम काज़े ड्रोन शहीद ड्रोन्स उन ड्रोनस के जरिए से यूक्रेन के कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निशाना बने हैं ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ये मिलटी इंस्टॉलेशनस भी हैं और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं छः कालेबर क्रूज़ मिजाइल्स इस्तेमाल हुए और पैंतीस एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिजाइल्स जो हैं वो रूस की जानेब से फायर किए गए और इस, इस इस, पूरे सिनारी के दौरान एक बहुत ही हिजानी कैफियत बरकरार है दारकमत कीफ जो है उसके अंदर एक बार फिर एयर रेड सार्स जो हैं वो सुने गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस वक्त जब इस जंग का एक साल पूरा होने को है ये जो शिद्दत है वो कम नहीं हो रही मुख्त्य कैलकुलेशन थी इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वार की यू के बेस्ड एक थिंक टेंक है कि रूस का जो एमनेशन है वो काफ़ी कम पड़ गया है और शायद रूस जो है वो अब काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा इस जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी कर रहा है लेकिन उसमें बहुत बड़ी गैर मामूली किस्म की एक शदस अब भी देखने को मिल रही है इस सब के साथ जो दिलचस्प बात है वो है इस वक्त यूक्रेन की जाम से जारी किए गए कि वो अदाद शशुमार जिसमें ये जी के हाई वोल्टेज फैसिलिटीज़ जो हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो है उसको दरम भरम करने के लिए रूस ने एक पूरी कैंपेन जो है वो लॉन्च की बिलखसू साउथर्न एंड वेस्टर्न जनूबी और जो मगरबी यूक्रेन के इलाके हैं वहाँ पर रूस के लॉन्ग रेंज के मिजल्स जो हैं उनके जरिए से कार्रवाइयाँ की गई हैं रूस के इन कार्रवाइयों को लेकर जो यूक्रेन की जानब से स्टेटमेंट सामने आए वो ये थी कि दुश्मन के जो ज़्यादातर मिज़ल्स अटैक्स हैं वो उन्होंने समंदरी अपने शिप्स को जो कि ब्लैक सी के अंदर डिप्लॉयड रूस की एक पूरी फ्लीट मौजूद है वहाँ से कार्रवाई की कैलिबर मिज़ाइल जो हैं वो लॉन्च किए और उसके नतीजे में ऑब्वियसली ओडिशा रीजन जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात हैं इस सब के साथ सा मैं अगर आपके सामने डिटेल्स मज़ीद रखूँ तो फ़्रांस की जान से ये है जी कि फ्रांस ने इस चीज़ को खारिज से इम्कान नहीं किया अभी तक के यूक्रेन को जट्स दिए जाएंगे या नहीं फ्रेंच प्रेजिडेंट इमान मैक्रेन हैज़ नाट रूल्ड आउट sending fighter jets to Ukraine at some point but says दैट that नीडिड needed more immediate military firepower ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त उस उस लॉन्ग रेंज की वेपनरी की बात हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त एमनेशन की बात हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिलरी की बात हो रही है तो फ्रांस इस चीज़ को मिक्स करके पेश करा कि हम ये नहीं कह रहे कि जेट्स नहीं देने चाहिए लेकिन ये कि यूक्रेन की इमीडियट जो रिक्वायरमेंट है फौरी जरूरत जो है वो उसके लिए फायर पावर को उसको बढ़ाना है तो कुल मिलाकर ये एक अम्बरेला है एक शेडो है जिसके नीचे फ्रांस आना चाह रहा है और ऑबियसली कि इस मामले पर भी फ्रांस हो गया जर्मनी हो गया ये बाकी कंट्रीज़ जो हैं ये, है। ये दीगर यूरोपियन वर्ल्ड की जानेब देखेंगे नेटो मेंबर्स की जानब देखेंगे कि वो फैसला क्या करते हैं ये सिमिलर है जैसे कि टैक्स के मामले पर फैसला हुआ अभी तक जो असेसमेंट बताई जा रही है जी कि हिज़ असेसमेंट फॉलोज प्रेजिडें जोस जेलेंस्की टूर ऑफ यूरोपियन कैपिटल्स टू सीक मोर आर्म्स फॉर यूक्रेन जेलेंस की ख़ुद निकले इस कैंपेन पर के जी हमें आप कम्बर्ट लीडर्स ने और यूरोपीय यूनियन का जो समट जुमरात के रोज़ हुआ वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के लीडर्स से भी ओपनली यूक्रेन ने डिमांड कीजिए कि हमें बार प्लान्स या कम्बर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो दिए जाए लेकिन मोस्टली कंट्रीज जो वो रिलेक्टेंट हैं वो इस मामले में सामने नहीं आ रहे हैं जो पोलेंड है उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्ट्रांगली यूक्रेन की इस डिमांड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है कि ठीक है अगर ये एयरक्राफ्ट मांग रहे हैं तो हमें दे देने चाहिए और जंग की इस नोयीत पर जब एक साल पूरा होने के बाद रूस की कार्रवाई नहीं थम रही तो हमें नेटो के साथ मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करना होगा क्रेमन के स्पोक्स पर्सन जो वो ये कह रहे हैं जी कि ये यूक्रेन हैं जो कि इस सिचुएशन से गुजरेंगे ना तो ब्रिटेन और ना दीगर वेस्टर्न वर्ल्ड वो इस सूरत हाल से दो चार होगी यानी अगर ये वेपन यूक्रेन को दी जाती है तो तबाही यूक्रेन की निकलनी है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन दमस्कोफ सेड इट वुड बी यूक्रेनियन सफर इफ ब्रिटेन आर अदर वेस्टर्न कंट्रीज सप्लाई फाइटर जेट्स टू कीफ़ अगर, तो कीफ। अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स दिए जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज यूक्रेन को ही भुगतने हैं यूके या दी वेस्टर्न वर्ल्ड को बरह रास्त कुछ नहीं होगा जितना कि यानी कि ये बेसिकली एक वार्निंग है यूक्रेन के लिए कि आप इस तमाम तर सिलसिले से बाज आ जाए Uh, सबसे इम्पॉटेंट uh, ये जी कि जो uh, uh, हार के रिजन है उसके अंदर भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री फैसिलिटीज़ एनर्जी सप्लाइंग यूनिट्स और सबसे इम्पोर्टेंट ये जी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड्स uh, हैं वो बुरी तरह से मुतासर होने के अतलात हैं और एनर्जीज़ एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र डैमेज इन जफरीजिया लिविंग सेक्शन आफ दिटी विदाउट एलेक्ट्रिसिटी ये जो कीव है uh, ये जो मेयर हैं यहाँ के जफरीजिया के वो एक्सप्लें करें जी कि हमारा एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाँ वो हिट हो रहा है कंटिन्यूसली ये सिलसिला जो इस वक्त तक चल रहा है और ऑब्वियसली कि ये रिटाइल है जिसमें कैपिटल कीफ जो है वो भी हिट हो रहा है और ऑब्वियसली कि उसमें रूस ये एक रिएक्शन दे रहा है जी कि आप जिससे आने जा रहे हैं तो उसके कंसिक्वेंसिस तो भयानक होंगे अब मामला इस वक्त उन कम्बट एयरक्राफ्ट का है जिसको लेकर अभी तक एक कंसेंसस डेवलप करना है यूरोपियन वर्ल्ड को और साल मुकम्मल होने पर अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि टेंक्स के मामले पर हमने देखा बहुत ज़्यादा डिले हुआ बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशनस हुई काफ़ी सख्त बातें सुनने को मिली और अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ा कि टेंस यूक्रेन को प्रोवाइड की जाए ये बहरहाल जी अभी तक की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं यूके एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से बहुत बड़ी ख़बरें इस वक्त जनरेट होने वाली हैं क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं और बाद इतलात के मुताबिक जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जरंस की उनके जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं वो उसी होटल के अंदर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो मौजूद हैं तो पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान जो है ड्यूरिंग द वार उस पर क्वेश्चन है और दुनिया की नज़रें ज़रूर है लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान की जम से इस पर कोई बात नहीं बहरहाल जो भी डेवलपमेंट आएगी आपसे हम रखेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो में अगर मुलाकात हाफ़